Hello students, as we know that chapter 12 kinds of sentences is going on. Now we will complete exercise X. Change the following sentences into negative. Change the following sentences into negative without changing the meaning. बिना मीनिंग चेंज किए हुए हमें सेंटेंस को चेंज करना है, लेकिन किसमें करना है? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. कॉन्सेप्ट एज सून एज वी लेफ्ट फॉर देहरादून इट स्टार्टेड टू रेन. हमें सेंटेंस ऐसा बनाना है, नेगेटिव भी बन जाए बट उसका मीनिंग भी चेंज ना हो. इसलिए हमने क्या किया, एज सून एज की जगह पर किसका यूज कर दिया, नो सूनर. उसके बाद है बी लेफ्ट फॉर देहरादून देन कॉमा की जगह क्या लगाया, देन इट स्टार्टेड टू रेन. नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट एंड ब्रिक्स वर ऑर्डर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. इसके लिए भी हम चेंज करेंगे, नॉट ओनली सीमेंट बट ऑल्सो ब्रिक्स. सीमेंट एंड ब्रिक्स के लिए आप क्या आया, नॉट ओनली सीमेंट बट ऑल्सो ब्रिक्स वर ऑर्डर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट, वारिस इज नॉट ओनली स्टूडेंट टू विन द स्कॉलरशिप, नो अदर स्टूडेंट. इसका यूज किया, नो अदर स्टूडेंट बट वारिस वन द स्कॉलरशिप. नेक्स्ट पॉइंट, सतनम इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास. इसको हम किससे किससे चेंज करेंगे, डिग्री से चेंज करेंगे. नो अदर बॉय क्या आया, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज एज टॉल एज. कौन सी डिग्री हुई आपकी, पॉजिटिव डिग्री हुई. पॉजिटिव डिग्री में हम नो अदर बॉय का यूज करते हैं. नो अदर बॉय इज एज टॉल एज सतनम इन अवर क्लास. Now students, we will complete next point in next video. Thanks.